सरसाणा कन्वेंशन सेंटर खाते 2 અને 3 જુલાઈ યોજનાર ફેસ્ટિવલનો ઉદ્દેશ્ય નેચરલ ફિટનેસ પ્રેક્ટિસને પ્રોત્સાહન આપવું અને યુવાનોને ડ્રગ અને સ્ટીરોઇડ વ્યસન અંગે જાગૃત કરવાનો છે। હિમાલયન સ્ટેલિયન જે નેચરલ ફિટનેસ પ્રેક્ટિસને પ્રોત્સાહન આપવા અને યુવાનોને ડ્રગ અને સ્ટીરોઇડના વ્યસન અંગે જાગૃતિ લાવવાનો એક નેશનલ પ્લેટફોર્મ છે। ત્યારે 2 જુલાઈ અને 3 જુલાઈના રોજ 2022ને સરસાણા स्थित सूरत इंटरनेशनल एक्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर खाते हिमालयन स्टेलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजन करवामां आव्युं छे, जेना आज रोज सूरत शहर पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर हस्ते उद्घाटन करवामां आव्युं हतुं। आ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में नेचरल एथलेट्स तेमनी सखत मेहनत और प्रतिभा द्वारा स्पर्धा में उतारी पोतानी क्षमताओं दर्शावानी तक मळशे। 2 દિવસ योजना फेस्टिवल देशभर में 280 स्पर्धकों भाग ले। फेस्टिवल उद्घाटन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार द्वारा पोताना संबंध आ प्रकार की आयोजन की सराहना करी हती। तेमने जणाव्युं हतुं के साची फिटनेस ए नेचरल ज होय छे, प्रोटीन अने बॉडी वधारा माटे ज आजे बजार में अनेक दवाओं मळे छे, परंतु आवी बाबतो छासवारे शरीर ने नुकसान ज करती होय छे। त्यारे नेचरल एथलेट्स अने बॉडी बिल्डर चोक्कस ज आ बाबते सूरतना युवानोने जागृत करवा माटे प्रेरक बनशे। हिमालय स्टेलियन स्थापक अजीत सेलाले जणाव्युं के हिमालय स्टेलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल योजना पाछळनो उद्देश्य नेचरल एथलेट्स की क्षमताओं ने प्रदर्शित करवा अने हेल्थ अने फिटनेस इंडस्ट्री में तेमनी कारकिर्दी बनावा प्रेरित करवानो छे। जीत सेलाले जणाव्या मुजब रमत गमतना अनेक एवी इंडस्ट्रीयल छे जे समग्र विश्वमां लोकोने तंदुरस्ती जीवनशैली जीववा माटे प्रेरित करे छे। जो के ड्रग अने स्टीरोइड हमेशा क्षेत्रथी दूर करनार सौथी पड़कारजनक अवरोध हतो अने रहेशे। भारतमां पण ते खास करीने बॉडी बिल्डिंग उद्योगोमां चर्चानो सर्वसामान्य विशेष बनी गयो छे। हिमालयन स्टेलियन नेचरल एथलेट्स अने बॉडी बिल्डरों ने एक प्लेटफॉर्म आपसे जे मोटी संख्या में फिटनेस ने उत्साहित अने आरोग्य अने तंदुरस्ती कुदरती पद्धतिओ प्रोत्साहन आपवा माटे उत्साहित करशे। भारत में मादक द्रव्योना व्यसनना विरुद्ध अवाज उठावनार जीत सेलाले जणाव्युं के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ड्रग तेमज स्टीरोइडनुं व्यसन सौथी मोटो पड़कार छे अने युवानो तेमना आरोग्य पर तेनी असर जाण्या वगर ज तेनो शिकार बनी रह्या छे। छेल्ला 15 વર્ષથી नेचरल फिटनेस प्रेक्टिस ने तरीके तेमणे आ ड्रगना मिशन साथ 2016ના यूट्यूब पर शुरुआत करी हती। तेमनो ध्येय एक भारतीय लांबो गाड़े ड्रग स्टीरोइड उपयोग आड़असर करे त्यारे तबके थती विविध समस्याओ विषे जागृत करवानो छे। हिमालयन स्टेलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल ओपन बॉडी बिल्डिंग क्लासिक फिजिक मेन्स फिजिक और वुमन्स बिकनी जेवी स्पर्धाओ योजाशे। अच्छा, सो ये है हिमालयन स्टेलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल स्पोर्ट्स फेस्टिवल। नेचुरल मतलब कि जहाँ पे ड्रग और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, और ये आप कह सकते हैं कि दुनिया में पहली बार इतने बड़े स्केल पे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे जितने भी ड्रग फ्री एथलीट्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है। सो ये अपने आप में एक बहुत ही नई चीज़ है जो हम लेके आए हैं। सूरत में ये करने का विचार आपको कैसे है? जी, सूरत में विचार इसलिए आया क्योंकि सूरत के साथ एक गहरा रिश्ता है मेरा। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहा था, यू नो कह सकते हैं ना, कर्म भूमि है मेरी। तो मुझे लगा कि शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, गवर्नमेंट हमारे साथ में है, लोकल सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, तो ये आई थिंक एवरीवन जिन्होंने हमें इस तरह का सपोर्ट दिया। तो सूरत में स्टार्ट करने का पर्पज़ ही ये था कि इतना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिला और हमें लगा कि पहली बार जो कर रहे हैं तो सूरत से ही करना चाहिए, गुजरात से ही करना चाहिए। इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? ये इससे लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग अभी इस वक्त जो यूथ है हमारा, जो यंग लोग हैं, जो गलत स्टेरॉइड्स के रास्ते में, ड्रग्स के रास्ते में चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो रास्ते से दूर जाएंगे और एक सही रास्ते पे चलेंगे। आने वाली जो जनरेशन्स है वो सही जेनेटिक्स, सही DNA पास करेंगे और हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्या मैसेज दोगे? मैं सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, शुरुआत भले ही हम इतनी बड़ी कर रहे हैं लेकिन जब तक कि ये लोगों का सपोर्ट इसमें हमें नहीं मिलेगा, खास तौर पे यंग लोगों का, यूथ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम इसको एक बड़े लेवल पे, एक दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे हम बड़ा नहीं बना पाएंगे। सो आई यू नो अर्ज के जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ड्रग फ्री इंडिया मिशन और सेव यूथ मिशन के साथ, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए।